अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है ज़बरदस्त गाजर का हलवा, जो आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तकरीबन 1.5 किलो मैंने गाजर ले लिए थे और उसे क्रश करके धोकर भगोने में लगा चढ़ा दिया है। प्लेन मैंने ऑन कर दी है, हाई फ्लेम पर कुक करूँगी। 1 लीटर मैंने तकरीबन दूध लिया है, फ्रेश मिल्क लिया है, 1 kg मैंने दूध लिया है। अब मैं इसका इंतज़ार करूंगी और हाई फ्लेम पे कुक करूंगी ताकि जल्दी से हमारा ये दूध खुश्क हो जाए। और इसे मैं पूरा कवर नहीं करूंगी, हाफ कवर करूंगी। हमें ये ख्याल रखना है कि जले ना और ये खुश्क भी हो जाए। अब देखें, दूध तकरीबन हमारा खुश्क होने पर है। उसके बाद तकरीबन मैंने 200 ग्राम चीनी डाल दी है। आप अपने हिसाब से टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा, जितना मीठा पसंद करते हैं। चीनी डालने के बाद अब मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी इसको। इसकी हम भुनाई करेंगे। तकरीबन चीनी भी हमारी मेल्ट हो चुकी है और अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 200 ग्राम मैंने घी लिया है। और आप असली घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बड़ा लजीज बनता है। मैंने तकरीबन 200 ग्राम घी लेकर अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। एक पाव मैंने तकरीबन खोया भी इसमें डाल दिया है और इससे भी मैं भुनाई कर लूँगी, अच्छे से भुनाई कर लूँगी। खोया डालने से गाजर के हलवे का मज़ा है ना दोबाला हो जाता है, बहुत ही लजीज हो जाता है। अब मैं तकरीबन इसमें 1 टेबल स्पून अरके गुलाब डालूंगी खुशबू के लिए। ये अरके गुलाब मैंने डाल दिया है। अब मैं दोबारा से इसकी भुनाई करूंगी। हमें अच्छे से भुनना है और ये ख्याल रखना है कि नीचे से ये लगे भी ना। वहाँ तक भुनाई करनी है कि घी हमारा ज़रा ऊपर आ जाए और अच्छे से भून जाइए। ये बड़ा ही लजीज बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बादाम और अखरोट मैंने गार्निश के लिए और आधा हम मैंने खोया भी गार्निश के लिए अलग से रख लिया है। गाजर का हलवा तकरीबन रेडी हो चुका है, अच्छे से भून भी गया है ये। चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया है। मज़ेदार गाजर का हलवा हमारा रेडी है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको मिल सकी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।